एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिभा व्लॉग। आप सबको मेरे चैनल में वेलकम। एंड जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। सो नाउ मैं एक्चुअली मैं रथ यात्रा के ऊपर एक व्लॉग बनाई थी, लेकिन हमें कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। सो मैंने अपनी लाइफ में ना एडवेंचरस काम किया है। सो ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने रात के 1 बजे कहीं पे विजिट की हूँ। सो उसका मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं कहाँ गई थी और क्या क्या वहाँ पे की, तो ये सब आपको पता चलेगा वीडियो की एंड में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी आप जाके पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। अभी आपको तो आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ पे गई थी। ये पूरी है, रथ यात्रा की कुछ पिक्स है। एंड अभी मैं जाके पूरी में पहुंच चुकी हूँ। अभी तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि मैं इतनी रात कहाँ पे गई थी। सो ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बहुत एडवेंचरस चीज मैंने किया। रात के 1 बजे हम लोग कहीं पे गए थे और लकीली हम वहाँ पे अच्छे से जाके पहुँच गए। हमें लगा कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, भीड़ होगा, पर लकीली हम जाके वहाँ पे पहुँच गए। अच्छे से पार्किंग भी हो गया। अब हम लोग अभी रथ के तरफ जा रहे हैं और हम पहुँच भी गए। और ये आप देख सकते हैं 3 रथ है, जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा जी की, सुभद्रा माँ की। सो ये मंदिर आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डेकोरेट हुआ है। सो इतनी रात को हम जो गए थे ना, तो उसका जो इतने अच्छे से दर्शन हो गया, मतलब इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। कि बोला जाता है हमारे यहाँ पे कि अगर जिसके किस्मत में होता है वही जाके भगवान जी का दर्शन कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, हम लोग जाके इतने अच्छे से वहाँ पर दर्शन कर लिए। और भीड़ भी इतनी नहीं थी क्योंकि रात के 3:30 बजा हुआ था, तो इतना भीड़ भी अच्छे से हो गया। और हम उस टाइम पर पहुँचे जिस टाइम आरती हो रही थी। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने आँखों से भगवान जी को अपने पास देखे और आरती भी देखे। ये कुछ पिक्स है, आप देख सकते हैं, जो डायरेक्ट हम लोग ने लिया है, क्लिक किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात हुआ कि मैं बहुत साल बाद रिक्शा पे जर्नी की, मतलब गाड़ी के पास तक। तो ये ही बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं इतने दिन बाद रिक्शे में ट्रैवल की हूँ। सो ये तो मज़ा ही आ गया। और अभी कुछ टाइम के बाद हम लोग जाके पहुंच गए पूरी सी बीच पे। ये नज़ारा तो बहुत ही मज़ेदार का था, क्योंकि हम लोग रात के 3 बजे एक्चुअली पहुंचे थे। हमें लगा था पूरा खाली होगा, नहीं, लेकिन बहुत भीड़ था उधर। सो अच्छे से पहुंच गए और उसका भी हमने मज़ा ले लिया। और सनराइज़ के टाइम में मैंने कुछ पिक भी लिया, ये आप देख सकते हैं, मैंने डाला है। एक्चुअली बहुत ही मज़ा। सो बाय बाय एवरीवन। और मुझे कमेंट में नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये जो आपको मेरा आज का जो था आप वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। एंड जो लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाए। सो आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में।